एक बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता दें जो उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सरकार के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर उस वक्त की, नौसेना ने जारी किए हैं सख्त दिशा निर्देश। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अधिकारी और जवानों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता दें, जंगी जहाजों में स्मार्टफोन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं आप, सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जासूसी जैसे मामलों को देखते हुए ये फैसला किया गया है। तो सरकार के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता दें, तो नौसेना ने निर्देश जारी किए हैं सख्त दिशा निर्देश, जो है वो नौसेना ने जारी किए हैं, अधिकारियों और जवानों के लिए निर्देश हैं। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि जंगी जहाजों में स्मार्टफोन का आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, सोशल मीडिया के भी इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। हमारे साथ कविता जोशी जुड़ी हुई हैं तमाम अपडेट्स के साथ। कविता, अपडेट्स क्या कुछ है इस पूरी खबर पर आपके पास? देखिए, इसमें दो अपडेट्स हमारे पास हैं। एक अपडेट तो ये है कि आंध्र प्रदेश पुलिस ने इस मामले की जांच जो है वो NIA को सौंप दी है, और दूसरा ये है कि नौसेना की तरफ से उसके जितने भी रणनीतिक ठिकाने होते हैं, जैसे नौसैन्य डॉकयार्ड होते हैं, युद्धपोत हैं हमारे, और जितने भी जंगी जहाज हैं, वहां पर जो भी नौसैनिक तैनात होते हैं या नौसैन्य अधिकारी हैं, उनके स्मार्टफोन के प्रयोग पर जो है रोक लगा दी गई है। हालांकि नौसेना की तरफ से, मतलब हम ये कहें कि पहले भी मतलब इस तरह की रोक रहती है, लेकिन इस बार क्योंकि अब ये पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसके लिए जासूसी करने के आरोप में ये 7 नौसैनिक जो हैं वो देश की नौसेना के 3 रणनीतिक ठिकानों से गिरफ्तार किया गया था इन्हें कुछ दिन पहले। हाँ। तो उसको ध्यान में रखते हुए नौसेना ने एक बार फिर से जो है सख्त जो है गाइडलाइंस, अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं, और स्मार्टफोन के और खासतौर पर सोशल मीडिया फेसबुक के प्रयोग पर भी जो है रोक लगा दी गई है। कविता, बिल्कुल, आपने किसी नौसेना के अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की, क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर उनका, इस पूरी खबर पर? देखिए, अभी नौसेना के अधिकारी जो है वो आधिकारिक रूप से इस खबर पर खुल के कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सरकार के सूत्रों की तरफ से जो हमें जानकारी मिल रही है, कुछ रक्षा विशेषज्ञों से हमने इस मामले पर बातचीत की है, तो उनका भी ये कहना है कि मतलब इस तरह के जो रणनीतिक ठिकाने होते हैं, जैसे नौसेना के जंगी युद्धपोत होते हैं, या फिर हमारा जो युद्धपोत है विक्रमादित्य, या फिर जो नौसैन्य डॉकयार्ड है जहाँ पर तमाम तरह की जो चीजों का निर्माण किया जाता है, सैन्य उपकरणों का निर्माण किया जाता है नौसेना के लिए, उन जगहों पर जो भी नौसैनिक तैनात होते हैं या फिर जो नौसैन्य अधिकारी वहां पर काम करते हैं, उनके स्मार्टफोन के प्रयोग पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि एक तरीके से मतलब क्योंकि वो देश की सैन्य सामरिक दृष्टि, देश की जो सामरिक सुरक्षा है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, उससे जुड़े हुए स्थल पे वो कार्यरत होते हैं, इसलिए वहां की कोई भी जानकारी जो है वो उनके काम करने के दौरान बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उससे जो है देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। इससे नौसेना द्वारा जो ये रोक लगाई गई है उसका जो रक्षा विशेषज्ञ है वो समर्थन कर रहे हैं। कविता, बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कहा यह जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला जो है वो लिया गया है। निश्चित तौर पे देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके मद्देनजर उसको और पुख्ता करने के लिए, मजबूत करने के लिए जो है निर्णय लिया गया है नौसेना की तरफ से। कविता, बिल्कुल, कितना समय लगेगा इस जो नियम है उसको लागू करने में और लागू होने में तकरीबन? देखिए, दिशा निर्देश तो आज ही से जारी कर दिए गए हैं, अभी सुबह ही जारी कर दिए गए हैं, तो हमें लगता है कि उसके तुरंत बाद जो है उसकी अनुपालना शुरू हो जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश पुलिस ने इस मामले की जांच जो है NIA को सौंप दी है, अब NIA जो है मतलब किस तरह का मतलब वहां से निष्कर्ष निकल के आता है जांच का, और क्या कार्रवाई होती है उस पर मतलब जो है देखने वाली बात होगी। कविता, बिल्कुल, तमाम महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जंगी जहाजों में स्मार्टफोन का प्रयोग अब आप नहीं कर सकेंगे, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, साथ ही साथ सोशल मीडिया के भी इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है, जासूसी जैसे मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।